सर देखिए, ये जो प्रमाइसेस है ये हमारा मोबाइल फ्री प्रमाइसेस है। हाँ। इसमें मोबाइल्स अलाउड नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम लोगों की? बहुत अच्छी। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे विंग में, जहाँ पर आप देखेंगे कि सेमी प्राइवेट रूम्स हैं। तो फिर अब आप यहीं रह जाओ, कोटे ही रह जाओ, घर में जाओ। हाँ, घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्या बात है, आप सीधा जेई निकाल के जाएंगे? हाँ, पूरी तैयारी से आए, ब्लैंकेट वगैरह लेकर। अरे क्या, वी हैव अ डॉक्टर प्रेजेंट हियर और बच्चा है जिसको अब हम आ चुके हैं मेस में। आप देख सकते हैं कि खाना बिल्कुल तैयार है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों? तो काफ़ी टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोशन का जो ध्रुव रेजिडेंशियल कैंपस है कोटा में, वो आप दिखाइए। तो हम आ गए आज आपको दिखाने के लिए, और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वाति मैम, जो कि मोशन की डायरेक्टर हैं और हमारे प्यारे एनबी सर की वाइफ हैं। मैम, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो आज आपको एक एक चीज़ें, एंट्री पॉइंट से लेके क्लासरूम तक, बच्चों का रिव्यू, हॉस्टल, हर चीज़ आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे प्यारे एनबी सर ने और मैम ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए कोटा में बच्चों के लिए, जो देश भर से बच्चे कोटा आना चाहते हैं और एक तरह से रेजिडेंशियल टाइप का कैंपस में रहना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो मैम, सबसे पहला बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स बैच क्या चल रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एनवी सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसा कि एनवी सर हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, तो ये सर ने जो सपना देखा है ये उसी का स्वरूप है। और यहाँ पर अभी हमने जो क्लासेस शुरू करी हैं वो है 8, 9, 10th and 11th जेई नीट हिंदी इंग्लिश। राइट मैम, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और चल के एक चीज़ आपको दिखाते हैं। तो आज टूर कराती हूँ हमारे ध्रुव कैंपस का। आप आ चुके हैं रिसेप्शन एरिया में, दिस इज़ आर रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर पेरेंट्स आते हैं, बैठ सकते हैं। और अगर आप जानते हैं तो एनवी सर की जादुई मशीन, सो दिस इज़ आवर कंप्यूटर लैब, जहां पर बच्चे आकर रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। दीज आर काउंसलिंग काउंटर्स, जहां पर बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनकी काउंसलिंग्स होती हैं। जय हिंद। और ये एनवी सर और सुरेंद्र सर का रूम, सिंस इट इज़ अ रेजिडेंशियल सेटअप, एक रूम हमने मेडिकल रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ आती है, कुछ परेशानी है, बीमारी है, तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वी हैव अ डॉक्टर प्रेजेंट हियर और बच्चा है जिसको थोड़ा सरदर्द हो रहा है, तो वो अंडर सुपरविजन में यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हमारे ग्राउंड एरिया में। आप देखिए, मेरे राइट हैंड साइड में ये असेंबली हॉल है, जहाँ पर हमारे बच्चों की असेंबली होती है सुबह सुबह, और लेफ्ट हैंड साइड में बास्केटबॉल कोर्ट है। तो बच्चे रोज़ सुबह शाम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। एंड इन द राइट कॉर्नर वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, सो वी हैव टू बैडमिंटन कोर्ट्स इन द कैंपस, जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग एंटर होने वाले हैं क्लासरूम के अंदर और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, जानते हैं कि भाई उनका क्या ओपिनियन है, वो कितना सेटिस्फाइड है ये ध्रुव कैंपस में। तो आ जाओ। तो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? बहुत अच्छी। ये जोश नहीं, खाए नहीं हो क्या तुम लोग? खाना वाना सही नहीं मिल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, मिल रहा है। पता है वीडियो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अच्छा, सही है। तो टीचर्स कैसे मिले यहाँ पे? बहुत अच्छे। सेटिस्फाइड हो सभी टीचर्स से? हमने यहाँ पे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब बंद करके सिर्फ जय हिंद पे फोकस करा है। जो भी हमें मिलता है, जब भी हमें मिलता है, हम सब जय हिंद बोलते हैं एक दूसरे को। जय हिंद मतलब कि एकदम वो भावना आती है, एकदम राष्ट्र प्रेम वाला भावना, जय हिंद, और जोश भरता है। राइट मैम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सर देखिए, ये जो प्रमाइसेस है ये हमारा मोबाइल फ्री प्रमाइसेस है। इसमें मोबाइल्स अलाउड नहीं है बच्चों के लिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो बच्चा आएगा वो एकेडमिक्स करेगा प्रॉपरली, उसका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। जो आप जितनी भी स्पोर्ट्स की चीज़ें देख रहे हैं वो इसीलिए कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। अगर ये दोनों अच्छी रहेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसके एकेडमिक्स इंप्रूव होंगे। So, तो कॉन्सेप्ट वही है। तो फोन उनका अलाउ नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे घर में बातें करेंगे, पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करेंगे? आज के दिन में सोशल मीडिया वो चलाना रहता है, उसका क्या मैम? सर हमारे पास, हमने कीपैड फोन्स ले रखे हैं, हर बच्चे का स्लॉट डिसाइडेड है, हर बच्चे का डे डिसाइडेड है। बच्चे को आधा घंटा दिया जाता है,
उसको अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, और नंबर प्रोवाइडेड है पेरेंट्स और उनकी फैमिली वालों के पास, तो वो चाहें तो उस टाइम पे उनको कॉल कर सकते हैं. और कभी ऐसे इमरजेंसी होती है तो दे कैन कॉल अस एज वेल, हम उनको वीडियो कॉल भी करवा सकते हैं. अब हम चल रहे हैं मेस की तरफ और हमारे स्पोर्ट्स रूम की तरफ, जहाँ पर हमने बच्चों के लिए कुछ इंडोर स्पोर्ट्स की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि बच्चों का एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है और उनका फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए हम स्पोर्ट्स रूम में चलते हैं. बच्चे खेल रहे हैं. जय हिंद बेटा. सो ये हमारा स्पोर्ट्स रूम बना रखा है हमने इंडोर. आप देख सकते हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. अब हम आ चुके हैं मेस में. आप देख सकते हैं कि खाना बिल्कुल तैयार है. कुछ ही देर में हमारे बच्चे आने वाले हैं. कोफ्ते सब्जी बनी है आज, तो खाना बहुत टेस्टी होता है. आप आज ज़रूर टेस्ट करके जाइएगा. पूरी सेटिंग है जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, खाते हैं, खाने को इन्जॉय करते हैं. यहाँ पर हम लोग आ गए हैं रेजिडेंशियल साइड में, जहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह है और शेयरिंग रूम वगैरह है. तो सब जगह का हर रूम का नाम दिया गया है, जैसे रामानुज विंग. चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे विंग में, जहाँ पर आप देखेंगे कि सेमी प्राइवेट रूम्स हैं. हर बच्चे के लिए एक अलग रूम सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, जहाँ पे उसका बेड लगा हुआ है, टेबल है, चेयर है, स्टडी लाइट है और अलमीरा है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर अ सिंगल चाइल्ड. नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ाई जब कर रहा हो तो वो सेल्फ स्टडी रूम में ही करे सारे बच्चों के साथ, बट अगर उसको रात में पढ़ना है तो उसके लिए उसकी स्टडी टेबल और चेयर भी उपलब्ध है. देखिए सर, नॉर्मली इस तरीके से बच्चा पूरे कर्टन लगा सकता है तो उसका पूरा सेमी प्राइवेट रूम का लुक आ जाता है. बच्चे को कपड़े चेंज करने हैं, कभी सोना है, मान लीजिए लाइट चल रही है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. वो अपने सारे काम बहुत ईजिली एज अ सिंगल रूम की तरह भी कर सकता है और सबके साथ भी है. तो ये अब हम एंटर हो रहे हैं, ये वॉशरूम देख लो, एकदम वॉशरूम जो है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन. कॉमन यहाँ पे वॉशरूम है, एकदम साफ सुथरा, फुल्ली सैनिटाइज्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई हो रही है. ऑल्दो बच्चा यहाँ नहीं है, बट फिर भी सेमी प्राइवेट रूम्स का फ़ायदा ये है कि बच्चा अगर नहीं भी है तो भी उसकी पूरी बेड और जो पढ़ाई की जगह है, जो भी उसकी रेजिडेंशियल स्पेस है, वो क्लीन रहती है, प्लस जो उसके वॉशरूम्स हैं वो भी क्लीन रहते हैं. तो यहाँ पे हॉस्टल में ही एक बच्चे के साथ हैं. क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्तमाश जी. कहाँ से वहाँ बाबू? बिहार से, भागलपुर जिला. तो बिहार से यहाँ आना क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पर सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं और यहाँ के सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है. और टीचर कैसे मिले आप? बहुत अच्छे मिले, बहुत 30-30 साल के एक्सपीरियंस, 31 साल, बहुत अच्छे टीचर्स हैं. ऐसा मैंने शायद पहले नहीं, बहुत समझ में आता, मतलब क्लियरली समझ में आता. जो एक बार पढ़ा देते हैं शायद डाउट ना के बराबर बचते हैं, डाउट रहता ही नहीं है. और जैसे कि रूम में साफ सफाई प्रॉपर होता है या नहीं? बिल्कुल, दिन में 3 बार होते हैं. और कोई डिस्टर्बेंस रूम में? नो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं. पर्दे लगा दिए हैं, कोई जो पढ़ सकते हैं, कोई सो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं. मस्त है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे को पसंद. घर की याद नहीं आती? नो, नहीं आती. नहीं, सारे टीचर्स केयर करते हैं? हाँ, सारे टीचर एकदम माँ बाप के तरह पूरे. तो फिर अब आप यहीं रह जाओ, कोटे ही रह जाओ घर में. हाँ, घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे. क्या बात है, आप सीधा जेई निकाल के जाएंगे? हाँ, पूरी तैयारी से आए, ब्लैंकेट वगैरह लेके. अरे क्या हो, चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू. हम यहाँ से मेस से निकल कर आए हैं, तो ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रही हैं. आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ की एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है. सो यहाँ से ऊपर जाकर गर्ल्स हॉस्टल की एंट्री. तो मैम ये तो हो गया सारा पॉइंट, हमने पूरा कैंपस दिखा दिया. अब जो मेन पॉइंट है कि जो ज्वाइन करना चाहता है ये ध्रुव कैंपस, वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, कैसे यहाँ पहुँच सकता है? सर, इसी में लिंक दे रखा है, जहाँ पर गूगल फॉर्म दे रखा है, आप वो भी फिल कर सकते हैं. आप मोशन के कॉर्पोरेट ऑफिस भी आ सकते हैं, उसकी कोई भी ब्रांच में भी जा सकते हैं, और जो फ़ोन नंबर दे रखा है आप उस पर भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं. तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो देखो, आप स्टेशन से उतर के आराम से कैब करके यहाँ पे आ सकते हो, या कि मोशन का जितना भी कैंपस है, जैसे कि मोशन का कैंपस मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी नगर में है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग मोशन की, वहाँ जा सकते हैं. मोशन का रोड नंबर 1 पे 1 है, ड्रोना कैंपस, वहाँ जा सकते हैं. फिर से CAD सर्कल पे मोशन का डक्स कैंपस है, वहाँ जा सकते हैं. कहीं भी आप चले जाओ मोशन का कैंपस, आपको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा या यहाँ आपको ले आया जाएगा, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल. तो बस ये रहा सारा वीडियो, सारा आपका डाउट इससे क्लियर हो गया होगा. So thanks a lot, ma'am. Thanks for joining. Thank
थैंक यू सो मच। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।